दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले अपकमिंग यामा R15 वर्जन 4 और बोल सकते हैं अपडेटेड यामा R15 वर्जन 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के काफी सवाल थे एंड काफी यूट्यूब पे ये वीडियो छाया हुआ है कि यामा R15 वर्जन 4 आने वाली है। एंड वेल, वो लोग गलत भी नहीं है क्योंकि कंपनी की तरफ से छोटे मोटे अपडेट्स पता चले, काफी लोग को पता चल चुका है कि यामा R15 वर्जन 4 आने वाली है। एंड कैसे आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है यामा R15 वर्जन 3, वर्जन 2, वर्जन 1 इन लोग के बीच में जो गैप होता है ईयर का, वो 1.5 से 2 साल की अंतर होता है। लेकिन जो लास्ट अपडेट हुआ था यामा R15 वर्जन 3 BS6 का, वो 2 साल पहले हुआ था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं हुआ है। और जो भी अपडेट हुआ कलर कॉम्बिनेशन में हुआ है, ना कि फिजिकली कोई अपडेट हुआ है। तो इस हिसाब से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यामा R15 वर्जन 4 आने के चांसेस अब ज्यादा है, क्योंकि टाइम पीरियड वैसा हो चुका है। अब आती है बात कि ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, क्या होंगे फीचर्स, उसके लिए आपको थोड़ा वीडियो को देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं यामा R15 वर्जन 4 की सारी डिटेल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है, जहां से अगर कुछ परचेस करते तो इस चैनल को काफी ज्यादा हेल्प होगी, जो कि पर्टिकुलरली मैं यूज करता फॉर माय एडिटिंग और वीडियो शूट के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, अगर मैं बात करूं यामा R15 वर्जन 3 बेस्ट सेलिंग बाइक है इंडिया में और मोर वैल्यू प्रोवाइड करती है, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है इंडियन ग्राहकों के लिए। जिस प्राइस पॉइंट में R15 वर्जन 3 आती है वो काफी बूम है एंड उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ इंजन, सारी चीज आपको अच्छी देखने को मिलती है। अगर एक एक करके बात करें तो लुक तो है ही अच्छी, नो डाउट। शार्प एजेस के साथ आती है, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलरेडी है। लेकिन जो वर्जन 4 है उसमें थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे काफी लोग बोल रहे थे कि इसमें जो हेडलाइट है वो सेम देखने को मिलेगा। वेल, हेडलाइट सेम तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया यामा R7 एंड उसी पे बेस्ड होने वाली है यामा R15 वर्जन 4। दैट मींस एक प्रोजेक्टर हेडलाइट होगा, DRLs होंगे एंड इसमें इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेगा फ्रंट एंड में। इंस्ट्रूमेंटेशन सेम रहने वाला है, वहां पे कंपनी कोई चेंज नहीं करने वाली है। कलर कॉम्बिनेशन ग्राफिकली ये चेंज होगा इस बाइक में, अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में चीजें और क्या देखने को मिलता है, तो आपको वही LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED टेल लाइट और जो इंडिकेटर से सुनने में आया है कि इस बार आपको LED देखने को मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, ये सारी चीजें तो स्टैंडर्ड आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा जो यामा R15 वर्जन 4 आने वाली है उसमें। अब आती है बात कि इसमें इंजन क्या है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। वेल दोस्तों, इंजन भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है इसमें, सेम वही R15 वर्जन 3 जैसे देखने को मिलेगा। 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक VVA टेक्नोलॉजी वाला इंजन, जो कि मैक्स पावर आउटपुट निकालेगा 18 से 19 के बीच में। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिट्यून थोड़ा सा होगा, टॉर्क भी 14 से 15 के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एंड कंपनी इसमें प्रोवाइड करेगी 6-speed ट्रांसमिशन, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे असिस्ट और स्लीपर क्लच ऑलरेडी इसमें है, जो BS6 वाला मॉडल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है वो 282mm का फ्रंट का एंड 220mm का रियर का, जो कि मोर देन इनफ है फॉर दिस टाइप ऑफ बाइक, जिसको रोकने के लिए ज्यादा सफिशियंट और अच्छा भी है। अब आती है इसमें कि मेन चीज की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा। वेल दोस्तों, BS6 वर्जन 3 की बात करें उससे इसका प्राइस ज्यादा होगा, 1,65,000 तक सुनने में आया था इतना हो सकता है, क्योंकि डिजाइन में काफी ज्यादा चेंजेस है और डिजाइन जहां चेंज होती है वहां पे प्राइस हमेशा बढ़ता है। अब बात आती है इसकी लॉन्चिंग और अनाउंसमेंट। वेल, अनाउंसमेंट अभी नहीं है, फेस्टिवल सीजन के एंड तक आने का है इसका अनाउंसमेंट। वो भी ये नहीं बोल रहा कि गाड़ी सीधा मार्केट में आ जाएगी, अनाउंसमेंट क्योंकि थोड़े बहुत हिंट तो आए हैं, इसलिए सारे क्रिएटर इस बाइक के ऊपर अपडेट बना रहे और वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं भी है। कुछ के मैं लिंक आपको दे दूंगा वेबसाइट के, जहां पे बोला भी गया है कि कब तक आने का है, वो भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहां से अगर कुछ भी परचेस करते हो चैनल को काफी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।